आप कितने खुश हो कि भाई उसरा लगवाने से बाल क्यों आ जाते हैं ये बताओ लोगों को, उसरा लगवाने से बाल आ क्यों गए आपके? उसरा लगाने से बाल थोड़ी, तो पहले ऑलरेडी ग्राफ थे ना अंदर, वो तो ग्राफ बड़े होने हैं तो वो हुए। वो तो लोगों का मतलब है, क्या कहते हैं, अंधविश्वास है कि उसरा लगवाने से बाल नहीं आते। कई उसरे का कारण तो नहीं कि ये लोग बोलते हैं कि भाई उसरे से बाल कटवा लो, गंजापन, हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होता, मैंने ये बहुत बारी करा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि YouTube की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने वाला है जहां पर कि एक बंदा उस्तरा लगवा करके अपना दिखाएगा कि उसके बाल वापस आ सकते हैं या नहीं, और आप लोगों को इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं कोई सी भी वीडियो डालता वहां पर हमेशा यही आता कि चीकू भाई वीडियो में क्यों नहीं आ रहे, उसके बाल तुमने उस तरह से कटवा दिए, वो पूरा गंजा हो गया होगा। लेकिन आज चीकू भाई को टाइम मिला है, घर पर आए हैं, सैटरडे का दिन है, छुट्टी है, तो घर पर आने का टाइम मिला इन्हें, और आज हम देखते हैं इन्हों के कैसे बाल आए और क्या एक्सपीरियंस रहा। और जो मैं आप लोगों को बोलता था कि उस तरह से कटवाने के बाद बाल आ जाते हैं या नहीं आते हैं, वो जानते हैं पहले चीकू भाई से। चीकू भाई, पहले तो बताओ लोगों को, आपने इतना इंतजार क्यों करवाया लोगों को? ताकि बाल बड़े होने का, ताकि दिखाई दे के कितना रिजल्ट आया बाल बड़े होने के बाद। मेरे ट्रांसप्लांट को 1.5 साल हो चुका है, उसके बाद भी आप रिजल्ट देख सकते हो मेरा कैसा रिजल्ट है। मैंने उससे भी लगवा लिया, मेरी डैंड्रफ की सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, जो डॉक्टर से मेडिसिन ली थी सब कुछ, वो मेडिसिन आधी कंटिन्यू है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब तक इन्फेक्शन कैसे कुछ अच्छा, कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा। कितने टाइम खाई थी आपने मेडिसिन? खाने की मतलब 15-20 दिन थी, बाकी लगाने वाला जो शैम्पू था वो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीक में 2 दिन। वो तो इन्फेक्ट मतलब कहते हैं इन्फेक्शन के लिए, ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, डैंड्रफ ना हो, उसके लिए। और बाकी मैं कोई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं खाता, भाई नॉर्मल फोलियर वगैरह वो खाना वो मैं खा रहा हूँ, मिनोक्सी भी लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहाँ पर दिखाया था कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्फेक्शन हो गया था, पूरा सर के अंदर वाइट वाइट डैंड्रफ टाइप हो गया था, है ना, सिरोसिस टाइप ही हो गया था ऑलमोस्ट। मैंने दिखाया कि चीकू भाई ने कौन कौन सी दवाई ली, कैसे कैसे ली, और आज की तारीख में आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और वो भी बता दो भाई कि आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह दवाई लेने से कुछ साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हुआ। अगर अच्छे जगह जाओ या डॉक्टर से लो अच्छा मतलब मेडिसिन, जिस बीमारी से हुआ है उसके प्रॉपर मेडिसिन मिले तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, मेरे को तो बहुत बेनिफिट मिला है। हाँ, और आपका हेयर फॉल होता है नहीं, जो आप बताते थे कि टच करते ही बाल झड़ रहे हैं टाइप, ऐसा वो भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम है कि आज कितना भी हाथ फिर लो कोई हेयर फॉल नहीं है। और पहले हाथ लगाते डरते थे ना, टंगी करते हुए खौफ था अंदर के, भैया अब गिरे। हाँ, और तुमने भी बता दें कि हफ्ते में 2 दिन ही सर धो रहे चक्कर में, कि और रगड़ के नहीं धो पा रहे सर को, कि भाई बाल झड़ रहे हैं कैसे धोऊं, हाथ लगाते गिर रहे हैं, है ना। तो डेली हाथ में कैसा मर्जी फेर लो, कुछ भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत फ्री हो। अच्छा, कई उस तरह का कारण तो नहीं कि ये लोग बोलते हैं कि भाई उस तरह से बाल कटवा लो, गंजापन, हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होता, मैंने ये बहुत बारी करा है उसका लगवा के, लेकिन ये होता कि जब उसका लगवा लिया, ऑयल करा, ठीक है, डैंड्रफ खत्म, फंक्शन खत्म, जैसे जैसे बाल ग्रो होते हैं वो फिर से आता है। अच्छा, इस बार नहीं आया बिल्कुल। इस बार क्यों नहीं आया वो भी बता दो। मेडिसिन नहीं, डॉक्टर को दिखाया, अपना इलाज कराया कि किस वजह से हो रहा है, डॉक्टर ने बोला वो सब किया। तो दोस्तों, अगर जो आपको प्रॉब्लम है चीकू भाई की, उस वाली वीडियो का लिंक दे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देखना उस वीडियो को कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। और आज की तारीख में बता रहे हैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उस तरह लगवा करके बाल आ जाते हैं नहीं, वो तो आप लोगों के अब सामने ही है। 3-4 महीने हो गए मतलब करवाए ना, उस तरह लगवाया 4 महीने हो गए। और वो डेट मैं देख करके डाल दूंगा कि भाई कब वीडियो डालती है, उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, वो वाली वीडियो भी देख लेना आप, है ना। तो अब आज की तारीख में आप कितने खुश हो कि भाई उसरा लगवाने से बाल क्यों आ जाते हैं ये बताओ लोगों को, उसरा लगवाने से बाल आ क्यों गए आपके? उसरा लगाने से बाल थोड़ी, तो पहले ऑलरेडी ग्राफ थे ना अंदर, वो तो ग्राफ बड़े होने हैं तो वो हुए। वो तो लोगों का मतलब है, क्या कहते हैं, अंधविश्वास है कि उससे लगवाने से बाल नहीं आते, नेचुरल बाल लगे तो आएंगे, जो ग्राफ्ट है ना, जड़ तो मेरी एक्टिव है तो इसलिए वो बाल आएंगे। हाँ, तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने को हेयर विग टाइप ही सोच लेते हैं, कि हेयर विग में जैसे बाल निकल गया तो निकल गया। ये जो है ना, आपके सर के अंदर से ग्राफ्ट लिए जाते हैं, सर के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, जैसे घास की जड़ होती है ना, घास की जड़ मिट्टी में कर दी, ऊपर से उसे काट दिया, चाहे ऊपर से कैंची से काटो, चाहे उसे ज़मीन से सफा कर दो, जब तक जड़ अंदर रहेगी, जड़ सुरक्षित रहेगी, जड़ को पोषण मिलता रहेगा, जड़ को क्या चाहिए, पोषण मिलता रहेगा ना उसे, तो हाँ बड़ी जैसे घास को चाहिए पानी ही उसका पूरा पोषण है, ठीक है, और सूरज की रोशनी। और इसके लिए हमारे विटामिन, न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, अगर जो अच्छी रहेगी तो आपके बाल आएंगे ही आएंगे। और ये वाले बाल जो हैं DST प्रूफ होते हैं, इसके ऊपर DST अफेक्ट नहीं करता है, और अधिकतर आदमी लोग जो हैं DST की वजह से ही गंजे होते हैं। तो DST की वजह से तो DST की गोलियां तो खाने की ज़रूरत है नहीं, और न्यूट्रिशन की गोली, देखो हट्टा कट्टा लड़का है ना, न्यूट्रिशन की कोई कमी है नहीं, डाइट वाइट का पूरा ध्यान रखता है,
ठीक है, और बाकी कुछ फॉली हेयर टाइप होती है और कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो चीक वाई करते रहते हैं। आज की तारीख में बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। और अभी तक मैं एक बार बताना भूल गया आपको, मैं याद आ गई मोंटे भाई के बात से, इन्होंने मुझे कलौंजी खाने को बताया, अभी तक खा रहा हूँ। खा रहे हो ना, रोज रोज एक चम्मच पानी भिगो के ना अभी तक खा रहा हूँ कंटिन्यू। मैं कैसा रिजल्ट है, नहीं मैंने मैंने बोला था ना बाल काले हो जाएंगे, अभी तक मैंने कुछ छोड़ी नहीं है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 3-4 महीने हो ना, मैं छोड़ी नहीं, रोज खाता हूँ डेली, है ना। इफेक्ट असर दिखाया ना तुम्हें उसका, मैंने बोला था नेचुरल चीजें खाओ तो ज्यादा बेटर है। बस ये कभी कभी उससे ना किसी किसी का पेट अपसेट हो जाता है, जैसे मेरा भी पेट अपसेट हो जाता है उससे, गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो मैं हफ्ते में 2 बार ही ले पाता हूँ, ठीक है। लेकिन जिसका जिसके पेट में कोई दिक्कत नहीं, जिसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो रोज ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है लगभग उससे, ठीक है। बालों में तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता ही आता है, ठीक है। आप भी ट्राई करना, वो वाली वीडियो का लिंक भी डालूंगी आप डिस्क्रिप्शन में, मुझे कमेंट में बताना तब डालूंगा मैं वो वाला। तो मैं अब क्लोज से इनों का दिखाता हूँ कि भाई कैसा दिख रहा है रिजल्ट, कैसा है 1.5 साल के बाद भी। तो ये देख लो भाई, ये चीकू भाई हो गए 1.5 साल, सामने जला रखी है लाइट। यहाँ पर भी थोड़े बहुत ग्राफ्ट इम्प्लांट किए थे, नहीं किए थे यहाँ पर, नहीं किए थे ना, नेचुरली बाल आ गए। आप पुरानी वीडियो देखना, यहाँ पर भी बाल गए हुए थे। आपने कलर तो नहीं किया वो बालों में, कई लोग बोले नेचुरल ब्लैक है, ठीक है ना। ये देखो, देख लो भाई नेचुरल बाल हैं, उस तरह मारने के बाद भी वापस आ जाते हैं। 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो गए उस तरह, लगभग 4 महीने, 3 से 4 महीने के बीच में हो गया, 3.5-4 महीने। देख लो इस वाले एरिया में ट्रांसप्लांट हुआ था, इस वाले एरिया में, ठीक है। और आज की तारीख में देख लो भाई चीकू भाई के बाल एकदम अच्छा। कई लोग बोलेंगे कि वो लगा लिया, ये लगा लिया, भाई उनके लिए देख लो, देखो देखो हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसे, हेयर फाइबर जो बोलते हैं। कई लोग बोलेंगे भाई, ये देख लो भाई एकदम नेचुरल। तो दोस्तों आप लोगों ने दिखाया, मैंने कंघी से हटा करके हाथ मसल करके रिजल्ट दिखाया, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई ना इसके अंदर हेयर फाइबर है, नेचुरल ब्लैक ब्लैक है, इसके अंदर कोई कलर भी नहीं किया गया, बाल वापस आ गए हैं उस तरह लगाने के बाद। ये YouTube की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, आज तक कहीं पर नहीं हुआ होगा ये, और उस तरह लगा करके ट्रांसप्लांटेड हेयर में दिखाया होगा। अगर जो आपको पता है कहीं पर ऐसा दिखाया तो कमेंट सेक्शन में आकर के लिंक दे दें, मैं मान जाऊंगा, इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और आप देख लें 1.5 साल की ग्रोथ भी देख लें, 1.5 साल में बाल कैसे हो गए हैं, सारी चीजें चकाचक हैं, डैंड्रफ भी जड़ से खत्म करवा दिया है, ठीक है। हम इस चैनल के थ्रू यही चाहते हैं कि सब जो भी लोग गंजे हो रहे हैं सबके बाल वापस आए, किसी को बालों की कोई समस्या ना आए, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। चीकू भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को कि निराश हो ना हो, ट्रांसप्लांट गंजे हो रहे हैं तो, या फिर हेयर विक की तरफ जाएं, कुछ अगर बोलना चाहोगे या फिर कुछ? हेयर विक की तरफ तो बिल्कुल मत जाइए, नेचुरल चीज़ें जितनी खा सकते हैं वो खाइए, नेचुरल चीज़ें एकदम बढ़िया। बाकी मेडिसिन भी थोड़ा करते हैं ज़्यादा, मत लो, उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं अपने अपने, तो बाकी अपना डाइट का ख्याल रखो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस फैक्टर भी होता है।